अलवर शहर के धोबी कट्टा क्षेत्र में बालकनाथ की सभा रखी गई। सभा में लोगों ने जय भीम के नारे लगाए और कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टी को नकारते हुए कहा कि हम इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। हम दोनों ही पार्टियों से त्रस्त हो चुके और उस दिन हमें इस मतदान दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में कमल का फूल का बटन जो कि बैलेट मशीन के ऊपर तीसरे नंबर के स्थान पर रहेगा उसको दबाकर अपने अपने स्थान से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर विजयी बनाए। इसके साथ ही 6 तारीख तक हम अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का भी काम करें ताकि आने वाले समय में जब 23 तारीख का परिणाम आए तो परिणाम अलवर की धरती का ऐतिहासिक परिणाम हो और राजस्थान की 25 सीटों में अलवर की सीट सबसे अधिक मतों से जीती जाए। इसके लिए मैं आज से अभी से ही क्योंकि चुनाव का अभी 6 दिन बाकी है 5 दिन ही कहूंगा 5 दिनों के अंदर हमें एक एक व्यक्ति को अपने साथ में कम से कम 20 परिवारों को जोड़ने का काम करना है और जोड़ने का आधार भी हमारे पास में लक्ष्य भी है सपना भी है आधार है जो पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का विकास किया आप सबको उज्ज्वला गैस के माध्यम से सिलेंडर के माध्यम से शौचालय के माध्यम से भामाशाह कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड के अनेकों योजनाओं के माध्यम से अपने आम गरीब जन का विकास किया और अपने कस्बे शहर का डेवलपमेंट करके विकास कर कर आगे बढ़ा। उसके साथ जो देश का मान सम्मान पूरे विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया और उसके देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो उन्होंने कदम उठाए इन सब के आधार पर हम अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें और फिर हमारे पास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य सपना है कि आने वाले समय में अपने देश को दुनिया का सबसे मजबूत समृद्ध देश भारत को अपना विश्व गुरु जो बनाना है वो लक्ष्य के साथ जुड़कर हम अपने प्रधानमंत्री के साथ अनेकों लोगों को जोड़ने का काम करें। आप सबके अपने शहर में सबसे एक बड़ी समस्या है पूरे जिले की समस्या है जो सुचारू सुविधा नहीं है हमारे पास पीने के पानी के जमीन का पानी भी कम है बरसात भी कम होती है। इसके लिए हम विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक विशेष योजना अपने अलवर के लिए पास कराकर गांव-गांव के घर घर के अंदर पानी की पाइपलाइन का पानी पहुंचे शुद्ध पानी पहुंचे इसके लिए हम पुरजोर ताकत के साथ आप सबके सहयोग से आप सबके मार्गदर्शन के इसको सुनिश्चित करने का संकल्प रखते हैं। तो आप आने वाली 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर अपने अपने स्थान से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें। आप सभी वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, जिन्होंने इस मंच के ऊपर विराजमान हमारे सभी अतिथियों का भी हमारा भी और आप सबका भी सम्मान किया। आप सबको धन्यवाद कहते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम और एक संत होने के नाते आप सभी माता बहनों को बुजुर्गों को बच्चों को नौजवानों को आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवे। आप सब सुखी हो निरोगी हो और इसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। बोलो भारत माता की।